नमस्कार सभी देशवासियों को और इंदौर वासियों को मेरी तरफ से आज़ादी के 75वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब लोग बड़े उत्साह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी कड़ी में मेरे मन में भी कुछ ऐसी बात आई जिसको मैं अपने पुराने पेशेंट्स और जो नए लोग मुझसे जुड़ेंगे या सुन रहे हैं उनसे मैं ले सकूँ। जैसा कि हम सब आज़ादी का जब ये महोत्सव आता है 15 अगस्त के आसपास के दिन आते हैं तो बड़ा उत्साहित हो जाते हैं। बचपन से आज तक हम इसी उत्साह को महसूस करते हुए आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की कल्पना के लिए कितने सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और सबने अपने बलिदान दिए, अपने समय का, अपने जीवन का, अपने रिश्ते नाते सब बहुत सारे उन्होंने बलिदान दिए हैं। उनसे जुड़े परिवार भी इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को लगाए हुए हैं। और 15 अगस्त होने के बाद कुछ दिन में हमारा ये उत्साह खत्म हो जाता है, लेकिन इस वर्ष जब पूरा देश आज़ादी का महोत्सव इतने अच्छे से मना रहा है और देश के सर्वोच्च पदों से लोग इतने अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं भी मोटिवेट हुआ और कुछ ऐसा सोचा कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जो अपने दायरे में रह के हम राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं, आप सभी जानते हैं कि बच्चों के विषय में अपनी चिकित्सा सेवाएं देता हूं और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी स्टिल डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस समाज में देखता हूं जब भी पेशेंट आते हैं। लेकिन हमारा रूटीन ये ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर बात वहीं रह जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ हमें ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिनका विचार मेरे मन में भी आया है और कुछ करने की संकल्प के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। अगर हम कुछ इस तरह का कमिटमेंट लेके चलें तो ये संभव है कि हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। हंसते मुस्कुराते बच्चे, स्वस्थ बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और हम चाहेंगे कि आज़ादी के 100वां वर्ष जब मनाएं तो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे। जैसा कि हाल फिलहाल में हम सभी ने देखा कि पूरे देश में, विश्व में कैसी हेल्थ चैलेंजेस आए, तो उनको देखते हुए अभी हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। हम सबसे पहला जो प्रयास कर रहे हैं लोगों तक जुड़ने का, अपने नॉलेज को उन तक पहुंचाने का, उनकी दुविधाओं को सुनने का, उन्हें सिंपल से जवाब मिल जाए, कोई चीज़ में डायरेक्शन मिल जाए, कोई ओपिनियन मिल जाए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा हूँ। आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं तो आने वाले 75 हफ्ता का एक संकल्प लेके हम प्रत्येक बुधवार को शाम को 7 बजे यूट्यूब लाइव पर मिल सकते हैं, जहाँ पे मुझसे कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के दांतों के बारे में या उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में ओपिनियन या सेकेंड ओपिनियन के रूप में भी मुझसे जवाब ले सकता है। ऐसा करके मैं अपने आप का, अपने नॉलेज को, जो भी मैंने गेन किया है, जो भी पेशेंट से सीखा है, उसको शेयर करने में मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी। और मैं चाहता हूँ कि एक ये जो बैरियर रूप में कभी कभी हम समझते हैं कि पेशेंट्स बहुत लेट आते हैं और उनको ये बैरियर से हम हटाएं, उनके सामने से एक ही अवरोध जो है उसको हम हटाने का प्रयास प्रत्येक बुधवार को शाम को 7 बजे करेंगे। इससे जुड़ने के लिए आपको जो है सिंपल सा जो व्हाट्सएप मैसेज है वो कर सकते हैं, नीचे फ्लैश की जो नंबर है उस पर अपने सवाल पहले से मुझे भेज सकते हैं, या यूट्यूब लाइव होते हुए भी हमारे चैनल पे कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल रख सकते हैं। अपेक्षा रहेगी कि अगर आप शुरू में ही अपने सवाल भेज दें तो उनको हम बहुत अच्छे से तैयार करके आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। जो भी कोई रिपोर्ट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपको शेयर कर सकते हैं, वो हमसे जुड़ें। इस इनिशिएटिव को आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के रूप में हम ले रहे हैं ताकि जनता तक हम इस साइंस को अधिक से अधिक पहुँचा सकें। इसी श्रृंखला में दूसरा हमने जो व्रत या इनिशिएटिव हम लेंगे वो ये होगा कि आने वाले 75 माह तक प्रत्येक माह की 15 तारीख को हमने आज़ादी के स्वर्ण महोत्सव के रूप में अपने क्लिनिक पर लोगों को फ्री कंसल्टेशन या सेकेंड ओपिनियन या जो भी उनकी समस्याएं हैं वो प्रायर अपॉइंटमेंट पे उनको हम लेंगे। आप सब लोग भी व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह से हर महीने की, प्रत्येक महीने की 15 तारीख को हमसे जुड़ सकते हैं। इसे भी हम एक इनिशिएटिव लेंगे जनता तक पहुँचने का, अपने नॉलेज को वहाँ तक ले जाने का। इसी के साथ विगत वर्षों में जो कुछ हमने किया है वो बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे। पिछले 13 वर्ष से हम डेडिकेटेड हैं बच्चों की डेंटल प्रॉब्लम्स को लेके, उनके ओरोफेशियल रीजन में जो ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर लेके और इससे जुड़ी हुई समस्याओं को लेके हम जागरूकता चला रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो है
प्रयास किए गए हैं, उसी प्रयास में से जो सबसे ताकतवर जो मुझे लगता है वो हमारा फर्स्ट 1000 डे इनिशिएटिव है, जिसकी जो उद्देश्य है वो ये कि हम गर्भावस्था से ही उस बच्चे से जुड़े, गर्भस्थ महिला को ही इतना हम नॉलेज दें ताकि वो आने वाले बच्चे के लिए तैयार हो, क्योंकि शास्त्रों में भी इस टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी ये समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में कोई भी ऐसी चीज का बदलाव लाने के लिए, स्पेशली जो हमारा लाइफस्टाइल या बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए, तो उसमें हम लोग बच्चे से पहले ही जुड़ते हैं, पेरेंट्स को एंटिसिपेटरी गाइडेंस देते हैं और इस तरह से हम, बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसको वो सारी चीजें उसके माता पिता तक पहुंचा सकते हैं, वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो हमेशा दांतों से जुड़ी समस्याओं से बच सके। इसी के साथ आप सभी को पुनः आजादी के 75वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि आजादी का स्वर्ण जयंती जब महोत्सव हम 100वें साल में मनाएंगे तब तक हमारा देश विकसित देशों में होगा और कहीं आगे वैसे ही सोने की चिड़िया के रूप में होगा, हर क्षेत्र में, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, हर विषय में हो। उसी जिम्मेदारी को लेके मैंने ये प्रण लिया है और अपेक्षा करता हूँ कि इसमें सबका आशीर्वाद मिलेगा, जितना मुझसे सहयोग हो सकेगा मैं अपना करता जाऊँगा। और ये संदेश मेरे उन सारे प्यारे बच्चों को जिनको मैंने अभी तक अपनी सेवाएं दी हैं, वो बच्चे जो उनके साथ हैं, बच्चों प्यारे सभी अपने घर पे 13, 14, 15 तारीख को तिरंगा फहराएं। आज़ादी का ये स्वर्ण महोत्सव आप और हमारे बीच में बहुत मुश्किलों से आया था, इसे अब सजो के रखना हमारा नई जनरेशन का काम है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए अपेक्षा है कि हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हर घर तिरंगा फहराएं, इस अभियान को और आगे ले जाएं, कोशिश करें हम सब अपने देश को क्या अच्छा दे सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।